हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, देखिए, दो तीन दिनों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रेलवे के 91,000 पदों को समाप्त किया जा रहा है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के। हालांकि न्यूज़ पूरी तरह से ऑफिशियल है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आ चुका है। ऑफिशियल भी अगर आप देखना चाहें तो ऑफिशियल सर्कुलर भी आ चुका है, जिसमें 31/5/2022 तक जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के खाली पड़े हुए पदों में से 50% को सरेंडर करने की, यानी कि समाप्त करने की बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का डाउट है कि ग्रुप डी एनटीपीसी की कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें यहां पर कुछ कमी देखने को मिलेगी, यानी कि फ्यूचर में वो पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, या कौन कौन सी ग्रुप डी एनटीपीसी की पोस्ट हैं जो समाप्त की जाएंगी। तो यही डाउट आपका इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे पूछा था, सुमित चौधरी ने, कि ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट जो है सेफ्टी कैटेगरी में आती है। तो बेसिकली इसी पर यह टॉपिक आपका रहने वाला है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी समाप्त होंगी। अगर इस आर्टिकल की बात करूं तो यह पढ़ के सुनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी चैनल्स वाले आपको सुना ही चुके हैं। यहां पर काम की बात नीचे लिखी हुई है कि इसमें रेलवे का वाणिज्य, इंजीनियरिंग, आरपीएफ, मेडिकल विभाग, प्रशासनिक विभाग, अकाउंट स्टोर बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी आते हैं। ठीक है ना, चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बाद में मैं ग्रुप डी एनटीपीसी की बात भी करूंगा। अगर मैं यहां पर बात करूं मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की जो पोस्ट आती है, तो उसमें जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है जो समाप्त की जा रही है 50%, उसमें आपका स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, टीचर और कुक आते हैं। वही बात करते हैं अगर हम लोग आरपीएफ की, तो आरपीएफ में जैसे आप कुक होते हैं, स्वीपर होते हैं, बारबर होते हैं, माली होते हैं, ये सारी पोस्ट आपकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है जो समाप्त की जाएंगी। यहां पर आपका एक डाउट और हो सकता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई समाप्त होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, उनकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और उम्मीद है कि जल्दी आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 2022 लास्ट में या फिर 23 में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए, जैसे बताया गया मेडिकल विभाग में, तो मेडिकल विभाग में बहुत सारी नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट आती है जो समाप्त की जाएगी। इसमें ग्रुप डी की पोस्ट भी होती है, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट है, ये आपका नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है, तो ये भी इसकी जो वैकेंसी है वो फ्यूचर में थोड़ी सी समाप्त हो जाएंगी। अब चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ग्रुप डी की, अगर मैं बात करूं कि नॉन सेफ्टी में कौन कौन सी आती है, तो जैसे आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है, देखिए वर्कशॉप की काफी सारी जो पोस्ट है वो आपकी नॉन सेफ्टी में आती है। और मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पर सक्सेस स्टोरी पर, और मैंने इसमें जगाधरी वर्कशॉप का पूरा टूर किया था। 2-3 घंटे में वहां रहा था, मैंने बहुत चीजें वहां पर देखी थी। बहुत सारी जो पोस्ट है ग्रुप डी की, बहुत सारे जो काम है वर्कशॉप में, वो ठेकेदार के अंडर में कराए जाते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट एम्प्लॉयज के द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए पोस्ट यहां पर रेलवे के अकॉर्डिंग बेकार मानी जाती है। तो वर्कशॉप की काफी सारी जो पोस्ट है वो ग्रुप डी में भी समाप्त हो जाएंगी। उसके अलावा असिस्टेंट डिपो स्टोर की नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है। उसके अलावा अगर देखा जाए असिस्टेंट टीएलएसी वर्कशॉप है, ये वाली नॉन सेफ्टी में आती है। असिस्टेंट वर्कशॉप की वर्कशॉप वाली, ये नॉन सेफ्टी में आती है। और हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये वाली नॉन सेफ्टी में आती है। बेसिकली 5 पोस्ट है यहां पर जो नॉन सेफ्टी में आती है, फ्यूचर में आपको इनकी वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। बाकी जितनी भी पोस्ट है, जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर है, या फिर आपका जो है असिस्टेंट टीआरडी है, असिस्टेंट वर्क्स है, या फिर आपका जो है सिग्नल टेलीकॉम है, पॉइंट्समैन है, या फिर आपका सीएनडब्ल्यू है, असिस्टेंट ब्रिज है, ये सारी आपकी जो पोस्ट है सेफ्टी कैटेगरी में आती है, इनकी पोस्ट सरेंडर नहीं की जाएगी। तो ये तो बात होगी ग्रुप डी की। एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, तो एनटीपीसी में जितनी क्लर्क वाली पोस्ट है, जैसे आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, या फिर आपका जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, या फिर इसके अलावा जो है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये वाली पोस्ट नॉन सेफ्टी में आती है, इनकी भी थोड़ी वैकेंसी कम हो जाएंगी। बाकी जैसे आपके गुड्स गार्ड है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, इसमें आपके कमर्शियल इंस्पेक्टर आते हैं, सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। या फिर आपके जो कुछ और पोस्ट है वो सेफ्टी कैटेगरी है, वो समाप्त नहीं होगी। तो एनटीपीसी पर तो थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, ग्रुप डी पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। अब अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, तो जैसे स्टेशन मास्टर है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट होते हैं, आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, जेई होते हैं, सेक्शन एंड चीफ कंट्रोलर होते हैं, गेटमैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, लोको पायलट, जेई, एसएससी, ट्रैक मेंटेनर, वेल्डर, ब्रिज हेल्पर, एसएनटी, टेक्नीशियन, टीआरडी, ट्रैक मशीन, ये सारी पोस्ट समाप्त नहीं होंगी, ये सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं। तो मैंने एक आपको ओवरव्यू यहां पर दे दिया कि कौन सी पोस्ट समाप्त हो रही है। तो अगर देखा जाए कि प्रेजेंट और फ्यूचर की वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए प्रेजेंट की वैकेंसी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जितने पद हैं उतने ही रहेंगे। फ्यूचर में कुछ पद आपके ग्रुप डी में समाप्त होंगे, कुछ पद आपके एनटीपीसी में भी समाप्त होंगे, 50% होंगे, यानी कि वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी। और ये बात मैं आपको पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, जितनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी फिलहाल है, इतनी बड़ी मात्रा में तो कभी भी नहीं आएगी। अब जैसे एक पोस्ट आपकी गेटमैन की आती है, हालांकि गेटमैन की पोस्ट अभी समाप्त नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके अंडरपास बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो आपकी जो गेटमैन की पोस्ट है हो सकता है फ्यूचर में वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो रेलवे क्या कर रहा है, बेसिकली रेलवे ऐसी पोस्ट को समाप्त कर रहा है जो प्राइवेट से काम कराया जा सकता है। जैसे आपका ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन का काम नॉर्मली प्राइवेट एम्प्लॉय से नहीं कराया जा सकता, जिम्मेदारी वाला काम होता है, सेफ्टी कैटेगरी का काम है। लेकिन जैसे आपने बहुत सारे स्टेशन पर देखा होगा, जो स्टेशन आपके प्राइवेट होते जा रहे हैं, वहां पर जो टिकट काटने वाला काम है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, प्राइवेट एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी पोस्ट जहां पर प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर सकता है, गवर्नमेंट वहां पर प्राइवेटाइजेशन कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो सरकारी पोस्ट समाप्त करें, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर माना जाता है कि बहुत ज्यादा लोड होता है इनकी सैलरी का। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि प्रेजेंट में जो वैकेंसी पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में वैकेंसी कम होगी ये तो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएगी, आपकी टेक्नीशियन की आएगी, लोको पायलट की आएगी, जेई की आएगी, बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी
मात्रा में वैकेंसी आएंगी। 1,00,000 पद या 50,000 पद एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।